रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विध्वंस युद्ध लगातार जारी है, जहां दोनों ही देश पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं पश्चिमी मदद के बूते रूस को चुनौती दे रहा यूक्रेन भी जबरदस्त हमले कर चौंका रहा है। हालांकि हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन को कई मोर्चों पर भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। हाल ही में अमेरिका की ओर से 61 अरब डॉलर के वॉर रिलीफ पैकेज के बाद यूक्रेन का मनोबल सातवें आसमान पर है। यूक्रेन पिछले काफी समय से अमेरिकी मदद की गुहार लगा रहा था। यूक्रेनी राष्ट्रपति यहां तक कह चुके थे कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन एक दिन के लिए भी रूस के सामने टिक नहीं सकता है। तो वहीं अमेरिकी मदद से भड़के रूस ने आंकड़ों के जरिए यूक्रेन को मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाने की कोशिश की है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मंगलवार को दावा किया कि फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन ने करीब 5,00,000 सैनिक जंग में गंवा दिए हैं। शोइगु ने एक मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि रूसी सेनाएं फ्रंटलाइन पे हैं, साथ ही अपने विरोधियों को पीछे धकेल रही हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिक भारी दबाव झेल रहे हैं और अपना डिफेंस करने की स्थिति में नहीं है। इस दौरान रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के लिए अमेरिका की ओर से दी जाने वाली 61 अरब डॉलर की सहायता पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद यूक्रेनी सेनाओं के पतन को रोकना है, मगर रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि धन का युद्ध के मैदान की स्थिति पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर धन अमेरिकी सैन्य उत्पादन में जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेनियन अपने हितों के लिए रूस के साथ लड़ाई में मर जाएंगे। रूस से लड़ने के लिए यूक्रेन को भुगतान करना अमेरिका की ओर से सीधे रूस से लड़ने की तुलना में बेहतर है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्री ने खुद की स्थिति के अनुसार अपनी सैन्य रणनीति को अपनाने में रूस की रक्षा उत्पादन क्षमता और लचीलेपन की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय यूक्रेन को पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लॉजिस्टिक्स केंद्रों और डिपो पर लंबी दूरी के हमले जारी रखेगा। साथ ही रूस ने पश्चिमी हथियारों की श्रेष्ठता के मिथक को भी दूर कर दिया है। रूसी सेनाओं ने 1000 किलोमीटर के युद्ध क्षेत्र में पहल हासिल की है। वहीं मार्च के आखिर से रूस ने यूक्रेन के खार्कीव पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। बीते सोमवार को एक रूसी KH-59 मिसाइल ने खार्कीव के 250 मीटर ऊंचे टीवी टावर पर हमला किया था। इस पर जेलेंस्की ने कहा था कि खार्कीव में एक टेलीविजन टावर पर रूसी मिसाइल हमला यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर को डराने के क्रेमलिन के निरंतर प्रयास का हिस्सा था। हमले का उद्देश्य आतंक को पूरे शहर में दिखाना और खार्कीव के कनेक्शन और सूचना तक पहुंच को सीमित करने का प्रयास करना था।